दुश्मनी के चक्करों में इन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अल्लाह ना करे बेटा। मैं तो अपील करने जा रहा था उसके खिलाफ खाले, लेकिन फिर अरीबा ने मुझे समझाया कि पहले की तरह वक्त और पैसा ही जाया होगा। इसलिए मैंने मजबूरन 50 लाख में उस दुकान की डील कर ली। सिर्फ 50 लाख? ये लड़की ना बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी है, और पहले शौहर ने तो बेचारी के साथ बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की। बताओ, छोटे से बच्चे के साथ इसको घर से बाहर निकाल दिया। तलाक याफ्ता है और एक बच्चा भी। अब तो सकलैन भाई को कितना बुरा भला कह रही थी ना, उन पर इतने बड़े इल्जाम लगा रही थी, लेकिन वो तो खुद यहाँ पे पैसे देने पहुंच गए। आप तो खुद कोई सबूत दे ना सकी, लेकिन उन्होंने वो पैसे देके ना अपनी सच्चाई का सबूत दे दिया। मामला से ज्यादा खराब हो दुकान को बेचना ही ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने मजबूरन 50 लाख में उस दुकान की डील की। दुकान तो अपनी कीमत के हिसाब से सही सेल हुई और कीमत करोड़ों में है, इसका मतलब है कि आपसे सच्चाई छुपाई गई। हालांकि 1 करोड़ का चल गया। हनूर ने बगैर सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाए, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। माही, सकलैन से माफी मांगो और ये चेक उसे वापस करो। अब तो सकलैन भाई को कितना बुरा भला कह रही थी ना, उन पे इतने बड़े इल्जाम लगा रही थी, लेकिन वो तो खुद यहाँ पे पैसे देने पहुंच गए। आप तो खुद कोई सबूत दे ना सकी, लेकिन उन्होंने वो पैसे देके ना अपनी सच्चाई का सबूत दे दिया। शुक्रिया बेटा। समानूर नहीं आई, मैंने आप सबको दावत पे इनवाइट किया था। वो दरअसल बेटा, वो सकलैन भाई, महानूर अभी ऑफिस से वापस आई थी, वो कह रही थी मैं इतनी थकी हुई हूँ, मेरा तो कहीं जाने का मूड नहीं है, तो फिर मैं कर दो रमशा। अम्मी, अगर महानूर को हमारी खुशी अजीज होती तो वो जरूर आती, उसका मकसद तो सिर्फ अपनी जात है बस। अरीबा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अम्मी, आप महानूर की हिमायत मत करें, आज हमारी शादी की सालगिरह है, और देखें इन्होंने तो फुफ्फो और आशिर को भी नहीं बुलाया, सिर्फ इसलिए कि महानूर कुछ बुरा महसूस ना करे। इतना ख्याल रखा उन्होंने, और उसने क्या किया, हमारी खुशी में ही शामिल नहीं हुई। अच्छा खैर छोड़ो, अगर वो नहीं आई है तो कोई ना कोई मजबूरी होगी डेफिनेटली। छोड़ो सब बात, ख्याल से खाना शुरू करें, भूख लगी है सब। हाँ, ये लो बेटा। और भाई, यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं, पढ़ाई कैसी जा रही है? जी मिस मामू, तो कैसा रहा कल का आपका साइड विजिट? सर बहुत अच्छा, कल मुझे अंदाजा हुआ कि मटेरियल सप्लाई किस इंटरवल से होना चाहिए। दैट्स रियली वेरी गुड। हम जितना भी पेपर वर्क कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें हमें जल्दी समझ आ जाती है। जी सर। कल हमारी सप्लायर के साथ एक अहम मीटिंग है, और मैं चाहता हूँ कि उस मीटिंग को आप हेड करें। फराज साहब भी आपके साथ होंगे, वो फाइनेंस में आपको सपोर्ट करेगा। और अब आपकी मैनेजरियल एबिलिटीज़ का इम्तहान है, और मैं देखना चाहता हूँ कि इस इम्तहान में आप किस हद तक कामयाब होती हैं। सर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको मायूस ना करूँ, आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। हाय माहिर।
जी मैं रिमशा TQM की स्टूडेंट हूँ, प्रॉबेबली आपने क्लास में देखा तो होगा। हाँ याद आ रहा है, मैंने आपको क्लास में देखा। वो आपने अपना असाइनमेंट बना लिया? कौन सा असाइनमेंट? हाँ याद आया, नहीं अभी नहीं बनाया क्योंकि मैं मोस्टली असाइनमेंट जो है वो एक दिन पहले बनाता हूँ। क्यों फेलियर? मुझे तो उस असाइनमेंट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आई मीन क्या लॉजिक है? आई जस्ट यू नो आई मीन अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे समझा देंगे? आई मीन अगर आपके पास टाइम हो तो। समझने की कौन सी बात है, सिंपल था, कोई लॉजिक भी नहीं थी। ओके मैं क्लास की बात आपको समझाऊंगा। थैंक यू। वेलकम बॉयज, चलो। क्या हुआ, क्या कहा उसने? कह रहा था कि क्लास की बात समझा देगा मुझे। अल्लाह का शुक्र है, इस सेमेस्टर ने तो दिमाग की दही बना दी थी। अच्छा खैर अब चलो, मुझे कुछ खिलाओ, बहुत भूख लग रही है। चलो। फैज़ साहब, फाइनेंस से हमारे साथ कोई नहीं जा रहा क्या? नहीं मैम, राशिद साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे वो डायरेक्टली उनके ऑफिस पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें साथ जाना होगा? जी, अब मैं आपकी गाड़ी में जाऊंगा या आप मेरे साथ गाड़ी में जाएंगे? एक काम करें, आप अपनी कार में खुद आ जाए, मैं भी खुद पहुँच जाऊंगी। जैसा आप मुनासिब हो। पार्किंग में मिलते हैं। श्योर। फराज कहाँ रह गए हैं? बस आज ये डील फाइनल हो जाए। फराज महमूद, हेलो। चले चले। नहीं, हैरत से क्या देख रही हो? पहचाना नहीं तुमने मुझे? अपने एक्स हस्बैंड को इतनी कमजोर याददाश्त तो नहीं है तुम्हारी? वैसे यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना जॉब शुरू कर दिया तुमने, सीएसएस का इरादा छोड़ दिया। सही। अच्छा किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हिचकिचाना नहीं, मुझे बता देना। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं हो सकती। मुझ जैसे गुरूर टूट कर भी नहीं टूटा ना तुम्हारा, अकड़ आज तक कायम। ये कौन है? प्लीज डोंट से कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। इस लो क्लास आदमी के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। जुबान संभाल कर बात करो, मैं अपने काम की जगह पर खड़ी हूँ, इसलिए कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती, वरना तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब मैं बहुत अच्छे से देना जानती हूँ। और वैसे भी मेरा वक्त बहुत कीमती है, जिसे मैं तुम जैसे शख्स पर हरगिज़ ज़ाया नहीं करना चाहती। फराज चलें। यस प्लीज। अम्मी वैसे एक बात तो बताएं, आपको लगता है फराज भाई मान जाएंगे? उन्हें एतराज नहीं होगा? फराज को भला क्या एतराज होगा इस रिश्ते से? क्यों नहीं होगा अम्मी, आपको पता है वो पूरे 5 साल बड़ी है फराज भाई से, और उसका तो एक बच्चा भी है। तो मेरा दिमाग खाना बंद नहीं कर सकती? इतना बेवकूफ समझती हो मुझे? जो बिना सोचे समझे हाँ कह दूंगी। देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में। फराज का कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा ना? वैसे मुझे उसका भाई तुम्हारे लिए बड़ा मुनासिब लगा है।
अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, इसमें जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। देखा जाए तो फराज का बोझ ही कम होगा। बहरहाल तुम फराज से अभी कोई बात ना करना, मुनासिब वक्त देखकर मैं खुद ही उससे बात करूंगी। अब तू यहाँ बैठी रहोगी, जाओ अंदर किचन में, हंडिया रखी है चूल्हे पे, जल जाएगी, देखो जाकर। चलें खाला, आप इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चले बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, माही आती होगी, उससे मिलके चले जाना। नहीं अम्मी, महानूर के आने का कौन सा वक्त है, और वैसे भी उसे मुझसे मिलने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। इतनी बार उसे मैंने अपने घर में बुलाया है और वो कभी भी नहीं आती, मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार क्यों करूँ। चले। क्या हो गया तुम्हें, छोटी बहन है तुम्हारी, कब तक नाराज रहोगी इस तरीके से, भूल जाओ पुरानी बातों। हाँ आशर, सब खैरियत, कैसे याद किया? महानूर, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंडिपेंडेंट है वो, जॉब करती है, कहीं भी आ जा सकती है। तुमने ये इन्फॉर्म करने के लिए मुझे कॉल किया? बॉयफ्रेंड? देखो अबल तो महानूर का कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, और अगर है भी तो ये तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से आशर ने महानूर को उस लड़के फराज के साथ देख लिया है और उसको उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है। अब आशर उससे अपना रिश्ता तोड़ चुका है, अभी उसका कंसर्न नहीं होना चाहिए वो किसके साथ घूमती फिरती है, किससे मिलती है। खैर छोड़ इन सब बातों को, मेरे ख्याल से रीबा अब हमें चलना चाहिए। नहीं, वो आज रात मैं अम्मी के पास ही रुकूंगी, अब महानूर से मिलना और उससे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। मेरे ख्याल से ये भी ठीक ही है, मैं तो बस ये सोचता हूँ कि जिस तरह फराज और महानूर एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे हैं, इतनी बातें बन रही हैं, मुझे तो रमशा की फिक्र होना शुरू हो गई। इतनी बदनामी के बाद इसके लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा? थैंक गॉड आप मुझे यहीं मिल गए, ये लिस्ट देख लें, ये मैंने फाइनल कर ली, अब आप। आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो गया? आप बताएं क्या कह रही थी। वो मैंने ये लिस्ट फाइनल कर दी, आप एक बार चेक कर लें। जी जरूर, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। Thank you.
अरे भाभी, आज काफी दिनों के बाद रुकी हैं आप यहाँ पर। लगता है सकलैन भाई कहीं गए हैं। ये मेरी माँ का घर है, मैं बगैर किसी बड़ी वजह के यहाँ आकर रह सकती हूँ। क्यों अम्मी? और वैसे भी मुझे बहाने बनाने की आदत नहीं है, पर ना ही मैंने ज़िंदगी में कभी कोई बहाना किया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरीबा इसलिए रुकी है आज कि हम दोनों को तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बैठो। ओह, फिर से बात करनी है? बताएं, अब क्या कर दिया ऐसा मैंने कि आप और अरीबा आप ही कचहरी लगा कर बैठ गए? कचहरियाँ तो तुम्हारी वजह से हम भुगत चुके हैं। अल्लाह अल्लाह करके लोगों को बात भूलती है और फिर तुम मौका दे देती उन्हें। तुम चाहती क्या हो? माना कि तुम हमारी बहन हो, इस रिश्ते की हमें इतनी कड़ी सजा मत दो। आप बात साफ साफ भी कर सकती हैं। मेरी वजह से आपको क्या तकलीफ हुई, मेरी वजह से आपको क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी, ये सब छोड़ दें। मेन मुद्दे पर आए ना यार, क्या बात है? आशिर की कॉल आई थी सकलैन को। अच्छा ठीक है, और फिर आशिर ने क्या कहा सकलैन भाई को? बताए मुझे क्या कह दिया उसने ऐसा कि आप ना चाहते हुए भी मुझसे बात करने पर, मुझसे मिलने पर मजबूर हो गई? देख रही हैं आप, मैंने आपसे कहा था ना, इसे किसी बात पर कोई निदामत नहीं होगी। लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। बकवास पर निदामत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बकवास होती है, झूठ होता है सब। क्या रिश्ता है तुम्हारा फराज के साथ जो तुम उसके साथ इतना घूमती फिरती हो? आशिर उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझ रहा है। आशिर, अरीबा आप आशिर की बकवास पर आप यकीन कर सकती हैं, मैं नहीं। वरना जो कुछ वो मेरे साथ कर चुका है, उसके बाद आप लोगों को मुझसे इस बारे में सवाल करते हुए भी हजार बार सोचना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इसके लिए मैं हर एक शख्स को इस दुनिया में जवाबदेह नहीं हूँ। मैं हजार बार कह चुकी हूँ आप लोगों से कि फराज सिर्फ मेरा कलीग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मानूर, अगर तुम्हारी बेबाकी और लापरवाही इसी तरह रही ना, तो अम्मी यकीनन कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर तुम्हें फराज में कोई इंटरेस्ट है तो हम तुम्हारा उसके साथ। खुदा के लिए बस कर दें आप। मर्द और औरत के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं हो सकता जिसे हमेशा शक की निगाह से देखा जाए। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। अगली बार मैं अगर किसी और के साथ दिखाई दूंगी तो आप लोग क्या मेरा उसके साथ भी रिश्ता जोड़ देंगे? यही तो बात है, काम तुम बहुत सारे मर्दों के साथ करती हो लेकिन दिखाई हमेशा एक के साथ ही देती है। ये जब बार बार एक मर्द के साथ नजर आएगी तो सवाल तो उठेंगे ना अम्मी। अरीबा बिल्कुल ठीक कह रही है माही, बात करने से पहले सोचना चाहिए। आपकी सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे अरीबा अभी भी ना हद ही करती हैं, किसी की भी बातों में आके आपको इतनी डांट सुना दी। अगर मैं उनकी जगह होती ना, उस आशर का वो हाल करती कि सारी जिंदगी याद रखता। और वो तो कह रही थी कि महानूर की वजह से हमने फूफो को नहीं बुलाया। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक उनको बस रिश्तेदारियां निभानी और कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आती कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता, कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, कोई मेरा एहसास क्यों नहीं करता? सिर्फ इसी वजह से मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, इतना मसरूफ कर लिया कि मुझ तक किसी की आवाज ही ना पहुंचे, ना किसी गैर की ना किसी अपने की। लेकिन फिर भी ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते, कोई ना कोई बात लेकर आ जाती है। ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते, क्यों नहीं अकेला छोड़ देते मुझे? आप रोए तो नहीं है? एटलीस्ट स्ट्रांग नहीं है आप? क्या खुद ही कहती हैं जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो रोते नहीं है, तो प्लीज रोए मत आप। अब प्लीज रोए मत। तो इकोनॉमिक्स
एक्सपोर्ट मैनेजर। ये चीज तुम्हें समझ में आ गया? आई होप ये टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या नहीं आया समझ में? देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम अब समझा रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला। गॉट इट? क्या क्या समझ में आया बताओ। ये जो ये वाला पार्ट है ये। ओके नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। आज मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगा। फराज इनफ इज इनफ। इस तरह से ऑफिस में गुंडागर्दी नहीं कर सकते आप। आपको शर्म आने चाहिए अपने कुलीग का गिरेबान पकड़ते हुए। नहीं आती मुझे शर्म, और आप इस इशू से दूर रहे। फराज साहब बड़े ही कोई चापलूस बंदे हैं सर जी, सारा दिन मानूर मैडम के ऑफिस में पाए जाते हैं उनको मक्खन लगाते हुए। वैसे कब से काम कर रहा है फराज यहाँ पे और कहाँ रहता है? काम करते तो कोई हो गए उन्हें 4 साल, लेकिन उसी जगह अटका है। तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि ऑफिस में ज्यादा लोग फराज को पसंद नहीं करते। मैंने देखा है हर वक्त रोब जमाने का शौक है उन्हें। वैसे तो बीसियों बातें हैं उनके बारे में, कोई एक वजह नहीं कि उनको नापसंद किया जाए। मसलन मेरे एक दोस्त ने बताया था उनकी शादी हुई थी 1.5-2 साल पहले, बीवी ने खुला ले लिया और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लड़की के रिश्तेदार पुलिस लेकर ऑफिस तक पहुंच गए। उन पर मुकदमा था कि लड़की का जेवर और जहेज फराज साहब के पास था। और भी गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। तोबा तोबा तोबा, मेरी तो जुबान ही साथ नहीं देती सर। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से फिर इनकी प्रमोशन भी नहीं हुई, वरना महानून मैडम थोड़ी होती इस पोजीशन पे। ये तो फराज साहब की सीट थी। बॉस ने सोचा होगा ऐसे 2 नंबर आदमी की काबिलियत से धोखा न खाया जाए, आखिर कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई इज्जतदार आदमी ही बैठ सकता है। इज्जतदार पोजीशन लगता है उसे भी मानूर के मुताबिक कुछ नहीं पता। बातें तो बड़ी मसालेदार हैं फराज के मतलब, उसके घर वगैरह का पता लगा लूं फिर देखते हैं मेरे काम का आदमी है भी या नहीं। अरे सर इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत तो हमेशा रहती ही है। चले मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, देर हो रही है। हाँ मैं आता रहूँ। हाँ जी सर। ये क्या चक्कर था भाई? इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं था, और एक ही बार में इतने अच्छे से समझ आ गया था और तुमने उसे 3-3 बार रिपीट करने को कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसकी अटेंशन ले रही थी। आई मीन वो मेरे सामने बैठा हुआ था, मैं उसका चेहरा देख रही थी और उसे देख रही थी और क्या। ओ हेलो, कहीं तुम भी उस पर फिदा तो नहीं हो गई हो दूसरी लड़कियों की तरह जो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ना सारी लड़कियों को चलाना चाहती थी। तुमने देखा नहीं जब वो मेरे साथ बैठा हुआ था तो सबकी शक्लें, आई मीन सारे लोग सारी लड़कियां कितना चल रही थी। तुम भी ना रिमशा, बड़ी ही कोई तेज चीज हो। वो तो मैं हूं। चले अब चल। चाय। हाँ थैंक यू। आज कहीं मत जाए, कल रात भी आप बहुत लेट आए थे।
पता है जब आप घर पर नहीं होते या लेट आते हैं तो मुझे बहुत बहुत बेचैनी सी होती है। दरअसल कल रात एक काम पड़ गया था इसलिए मैं लेट हो गया। इतनी रात कौन सा काम होता है? जब बिजनेस अपना हो तो वक्त भी अपना होता है। खैर मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं जल्दी आ जाऊं। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, तुमने बात की थी मानूर से उस बारे में? जी की थी। वो तो उल्टा मेरे गले को आ गई, कहने लगी कि मैं किसी किस्म की कोई वजाहतें नहीं दूंगी। अम्मी और अमशा भी मुझसे नाराज हो गई। ये लड़की मानूर, वकील भी हार जाए इससे बहस में, हम नहीं जीत सकते। अच्छा अब मैं चलता हूं, और हाँ अगर मैं कभी लेट हो जाया करूं तो परेशान मत हुआ करो। नहीं, परेशानी तो होती है ना। वही तो कह रहा हूं, परेशान मत हुआ करो। आफ्टर ऑल मेरी बीवी हो, सो बी ब्रेव। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा आप फराज को जानते हैं? वो यहाँ पे कहीं आसपास ही रहते हैं मेरे ख्याल से। वो लंबा वाला जिसकी पुरानी सी कार है? जी ऐसे ही है कुछ। उसके बारे में मैं क्या सर, पूरा मोहल्ला जानता है। इस गली के एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं आप, वो फड़फड़ बता देगा आपको कि वो कितना घटिया और जल्लाद फितरत इंसान है। भाई जरा तफसील से बताइएगा, क्योंकि मेरी बहन के रिश्ते का सिलसिला चल रहा है, उससे तो मैं उसकी जानकारी हासिल करना चाह रहा हूँ। अरे मत कीजिएगा अपनी बहन की शादी उस घटिया इंसान से, उसने तो अपनी पहली बीवी की जिंदगी अजाब बना दी थी। तौबा तौबा तौबा, इतनी दिल खराश और चीखो की आवाज आती थी ना उस घर से उस मासूम की, कि मैं आपको क्या बताऊँ। शायद मारता पीटता भी था उसे वो। फिर एक दिन उसने उसे घर से निकाल दिया। बेचारी नंगे पाओ बिना चादर के घर से बाहर निकली है वो। बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है सर, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सब कुछ बताया मुझे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा मानूर के लिए फराज बिल्कुल अच्छा है। अम्मी एक बात तो बताएं, ये भाई के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे थे? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि भला कौन होगा जो फराज के बारे में इतने सवाल जवाब करके गया, और वो भी उस मनहूस आसिम से। और फिर उसने तो वही सारी बकवास की होगी मेरे बेटे के खिलाफ। लेकिन अम्मी खाला तो कह रही थी कि वो सारी बातें बता चुकी हैं, तो फिर वो जाके क्यों मोहल्ले वालों से इतनी इंक्वायरी करेंगे? यही तो हैरत मुझे भी है कि उनकी बेटी में कौन से नगीने लगे हुए हैं। मैंने तो बस तुम्हारे लिए उन्हें बुलाया था कि चलो लड़का अच्छा है, लेकिन वो लोग, वो तो फराज के बारे में पूछ के शुरू कर दी उन्होंने। मैंने आपको मना भी किया था, अभी मेरी शादी की बात मत किया करें आप। क्यों आप मुझे बार बार शर्मिंदा और जलील करवाना चाहती हैं? लेकिन बेटा आपको अंदाजा भी है मुझे कैसा फील होता है जब लोग मेरे मुतालिक इंक्वायरी करते हैं। मैं बाहर दुकान तक नहीं जाता हूँ क्योंकि वहां लोग मेरे मुतालिक बात कर रहे होते हैं। मैंने खुद को इसीलिए महदूद कर दिया। नहीं मेरे बच्चे, लोगों की तो आदत है बातें करना, लोग कहाँ किसी के सगे होते हैं। और वहां से नहीं तो मेरे बच्चे तुमसे जलता है। वो
मुझ जैसे नाकाम शख्स से क्यों चलेगा अम्मी? मेरे पास है ही क्या? 9 to 5 की नॉर्मल सी नौकरी, बाहर खड़ी हुई खचाड़ा अब्बा का दिया हुआ ये घर, और क्या? बस वो मेरी बीवी मुझे नामुकम्मल और एबनॉर्मल के ताने देकर चली गई मुझे छोड़कर। नहीं, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मुझ जैसे नाकाम शख्स से कोई हसद कर सकता है? नहीं बेटा, वो तो बकवास करती थी, झूठ बोलती थी, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। उसने तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए तुम पे। बात आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, दुनिया नहीं जानती, दुनिया को वही लगता है जो उसने बताया। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी शादी की बात मत किया करें प्लीज। आखिर कब तक मेरे बच्चे, कब तक ना करूँ मैं तुम्हारी शादी की बात? वो लोग आयमा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए थे, वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी से तुम शादी कर लो, रिश्ता अच्छा है। फिर मगर क्या, ये कि लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है, उसकी तो खैर है, और क्या, उसका बच्चा भी। टूटेगा दिल ये फिर से, हम जोड़ जोड़ हारे, लूटेगा मेरे सपने हम बेबसी के मारे। चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? आयमा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए थे, वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी से तुम शादी कर लो, लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है, उसका बच्चा भी। तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए, उस हर जाई की खातिर, उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर। कहिए सकलेन भाई, कैसे आना हुआ? लगता तुम्हें मेरा ऑफिस आना अच्छा नहीं लगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ा? वरना बात घर में भी हो सकती थी, घर में मुलाकात होती रहती है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। काफी दिन हो गए थे तुम्हें जॉब करते हुए, मैंने सोचा इसी बहाने तुम्हारा ऑफिस भी देख लूं। मुझ पर नजर रखने आए या फिर कोई नई ब्रेकिंग न्यूज ढूंढने आए होंगे? मानूर, तुम क्यों मेरे बारे में इतना बुरा सोचती हो? हालांकि तुमने हमेशा मुझसे बहुत सी बदतमीजियां की हैं, मगर मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहा, और आज भी यही सोच रहा हूँ। अब वो आशिर वाली बात पे, अगर तुम चाहो तो हरीबा से पूछ सकती हो कि मैंने उसको बहुत डांटा है, खाला भी गवाह है इस बारे। लेकिन अगर तुम अपने इस ऑफिस के कोलीग फराज से कोई चक्कर चला रही हो तो। फराज, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद आइएगा, बल्कि मैं आपको कॉल कर दूंगी। ओके, थैंक यू। अच्छा है, काफी रोब है तुम्हारा इस पर, होना भी चाहिए, आगे काम आएगा। वैसे मुझे नहीं लगता ये किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, औसत तबके के लोग लगते हैं। सच पूछो तो ये मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं लगता। सकलेन भाई, आप यहाँ काम की बात करने आए थे ना, तो वही कीजिए, ये मेरे काम की जगह है, इस तरह से मेरे काम का हर्ज हो रहा है। और अगर आपको इस तरह से फजूल बातें करनी ही है तो वो घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुमसे उस मकान के बारे में बात करने के लिए, दिन ब दिन उसकी हालत बदतर होती जा रही है, मैं चाहता हूँ कि हम उसे डिमोलिश करवा दें, इससे पहले कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाए, हमें उसके बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। एक बार नहीं, मैंने कई बार देखा है तुम दोनों को उल्टी सीधी घटिया बातें करते हुए लोगों के लिए, और इस तुम्हारी आदत को मैंने हमेशा इग्नोर किया, आज इग्नोर नहीं करूंगा, और तुम्हारा दिमाग में ठिकाने लगा के रहूंगा ताकि तुम आइंदा ऐसा ना कर सको। शुक्र कैसे है आप जाती करें फराज साहब,
तुम्हारे मेरा गिरबान, अगर आप पकड़ सकते हैं तो हाथ मेरे भी खुले हैं। तू मेरा गिरबान पकड़ेगा? मेरा गिरबान पकड़ेगा? हिम्मत है तेरे अंदर मेरा गिरबान पकड़ने की? ये सब क्या हो रहा है ऑफिस में? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े उसे। मैं छोड़ूंगा उसको, आज मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगा। फराज, इनफ इज इनफ। इस तरह से ऑफिस में गुंडागर्दी नहीं कर सकते आप। आपको शर्म आने चाहिए अपने कुलीग का गिरबान पकड़ते हुए। नहीं आती मुझे शर्म, और आप इस इशू से दूर रहे। अच्छी तरह से हैंडल करना आता है मुझे मामला, और ये दोनों वैसे भी मेरे अंडर आते हैं। और आप मेरे अंडर काम करते हैं, मैं आपकी बॉस हूँ, क्या ये बात मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? नहीं आप मेरी बॉस, इतने रो भी ना अपनी पोजीशन को, अपने रूम में जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखा है और उनको भेज दें जिनकी इच्छा की थी। आप टर्मिनेशन लेटर आएगा ना, चला जाऊंगा मैं यहाँ से, उससे पहले मैं इसका छोड़ूंगा नहीं। अभी और इसी वक्त ऑफिस से निकल जाए, वरना मैं पुलिस को कॉल करूं। आई सेड लीव। ये जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं बॉस से बात करूंगी, आप लोग अपने काम पर जाएं वापस। ओके मैम। और आप लोग यहाँ खड़े हुए तमाशा क्या देख रहे हैं? काम करें जाकर अपना। What an interesting character. मानो तुम जैसी खुद सर के लिए परफेक्ट चॉइस है। ये सर फिरा साइको बंदा बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मेरी तरफ से तो बात डन है। सर मैं फराज साहब से ऐसा बिहेवियर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अगर कोई इशू था तो वो कंप्लेन कर सकते थे, इस तरह से मारपीट करना, ऑफिस में झगड़ा करना, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया। फराज काफी ठीबे मिजाज का बंदा है, इन माय ओपिनियन ही इज अ वेरी काम एंड डीसेंट गाय। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने आपके साथ बदतमीजी की। He's a very calm guy. हालांकि वो आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। सर ये सब बनावट भी हो सकती है। मैं मानती हूँ कि पर्सनल अटैक किसी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन उसका जवाब बहुत डिसेंट तरीके से भी दिया जा सकता है। ऑफिस के यही लोग मेरे बारे में भी गॉसिप करते थे, मेरे बारे में भी बात करते थे, लेकिन मैंने उन्हें जवाब बहुत तरीके से दे दिया था। वेट, आपके बारे में मिस मानूर, फराज के बारे में ऑफिस में बहुत लोग बात करते हैं, मुझे उस बात का इल्म है, लेकिन मिस मानूर ऐसी कौन सी गॉसिप है आपके बारे में? इसका इल्म मुझे नहीं है, आई एम द जीएम ऑफ दिस कंपनी, मुझे क्यों नहीं पता? मिस मानूर यू बेटर स्पीक अप नाउ, आप मुझे बताएं ताकि मैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकूं। क्या वजह है भाई कि वो सीनियर का एहतराम नहीं करते सर, उनके पीठ पीछे आके गॉसिप और उनकी इंसल्ट करते हैं? इज दिस अ ब्लडी कंपनी वी आर रनिंग? सर यही कि मैं डिवोर्सी हूँ। मेरी शादी टूट चुकी है। लेकिन इस मामले आपकी सीवी में तो जी वो इसलिए क्योंकि मेरा सिर्फ निकाह हुआ था जो खत्म हो गया, इसलिए मैंने सीवी में मैरिटल स्टेटस सिंगल लिखा था। I see. क्या मसला है तुम लोगों के साथ? ये क्या सुनो मैं आपके बारे में? सर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो फराज साहब भी झगड़ा करने लगे थे। आप किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बातें करते रहेंगे और वो खामोशी से इग्नोर करता रहेगा आपकी इस बकवास को? और आपको किसने इजाजत दी कि अपने सीनियर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप करें? दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, और आइंदा मैं ना सुनूं किसी भी एम्प्लॉय को आपसे कोई शिकायत हो। अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी सर। ठीक है अब आप लोग यहाँ से जाएं। ऑलराइट सर। कुछ लोगों की आदत होती है पर्सनल गॉसिप करने की, और मौजू तलाश करना उनके लिए कोई मसला नहीं होता। मेरे बारे में पता नहीं क्या और फोर बकवास करते रहते होंगे,
मैंने आपके सामने इनको पर्सनल वार्निंग दे दी है। फराज साहब को खुद देख लीजिएगा, उन्होंने सारे स्टाफ के सामने आपसे मिसबिहेव किया है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप चार्जशीट बनाएं और करें उनके खिलाफ कंप्लेन, हम देखते हैं, पूरा एक्शन लेंगे इंशाल्लाह उनके खिलाफ़।